हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th के सब्जेक्ट समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का सैंपल पेपर जो कि उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा हाल ही में दिया गया है। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए ताकि आने वाले वीडियोज के जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास आराम से पहुंच जाए। कई बार ऐसा होता है कि वीडियोस इंपॉर्टेंट होती है बट आपके पास पहुंच नहीं पाती है। इसका कारण है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं है। तो यहाँ पर पहले हम सैंपल पेपर देखते हैं और उसके बाद फिर समझेंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चन और हैं जो कि आपके इस बुक से पूछे जा सकते हैं। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बाकी इसमें जितने क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ही रखे हैं, इसमें कोई क्वेश्चन फालतू आपने आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अनुक्रमांक देखो आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023 समाजशास्त्र सैद्धांतिक पूर्णांक आपके 80 नंबर है मैक्सिमम मार्क्स। समय आपका 3 घंटा। अनुक्रमांक आपका जो आपको मिलेगा बोर्ड की तरफ से वो आपने यहाँ पे पढ़ देना है। तो प्रश्न पर चलने से पहले हम निर्देश को समझ लेते हैं क्योंकि निर्देश बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में। बोला है इस प्रश्न पत्र में कुल 31 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है आपका प्रश्न संख्या एक बहुविकल्पीय है, इसके 8 खंड है, प्रत्येक खंड 1 अंक का है। तीसरा पॉइंट है आपका प्रश्न संख्या 2 से 9 तक उस निश्चित उत्तीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। चौथा पॉइंट है प्रश्न संख्या 10 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। पांचवा देख रहे हैं प्रश्न संख्या 20 से 27 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। अगला है प्रश्न संख्या 28 से 31 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। अब चलते हैं सीधा हम क्वेश्चंस पर। और जो एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन आंसर है उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी अगर आपको इसका पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सॉल्यूशन भी आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्न में से किसने की? श्री नारायण गुरु, पेरियार, ज्योतिराव गोविंद राव फूले या फिर एन कली। दूसरा है द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? माल्थस, कार्ल मार्क्स और या एडम स्मिथ या फिर मैक्स वेबर। गा नंबर आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है? 16वां, 17वां, 18वां या फिर 19वां। क्लियर है तो इन सभी का आंसर आपका बॉक्स में बताते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट यानी घ नंबर पर। निम्न में से कौन भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। बड़ा नंबर है पांचवा उत्तराखंड में पंचायती चुनावों में कितने प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? 33, 55, 50 या फिर 45। चार नंबर है प्रथम चरण में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ? धान, गेहूं, मक्का या फिर ज्वार। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यानी 6 नंबर पर। ये है जो आपकी संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र निम्न से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या फिर दादा भाई नेहरू जी या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जिनका आंसर जिन बच्चों को इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट आपका चिपको आंदोलन उत्तराखंड में किस जिले से हुआ? नैनीताल, चमोली, पौड़ी या फिर टिहरी। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप क्लास 9th 10th में भी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक कौन है? थर्ड है अनुसूचित जाति शब्द सबसे पहले कब अस्तित्व में आया? फोर्थ है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? पांचवा है स्वतंत्रता पश्चात अस्तित्व में आए किसी एक औद्योगिक शहर का नाम बताइए। सिक्स है प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? सेवन है रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर चुकाने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? आठवां है उसके बाद भारत ने उदारीकरण की नीति को किस दशक से अपनाया है? नौवां है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? दसवां है मूल एवं विस्तारित परिवार में दो प्रमुख अंतर बताइए। ग्यारहवां है अदृश्य हाथ से आप क्या समझते हैं? 12वां है धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? 13 है पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं? तो जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। 14 नंबर है राजनीतिक दल की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। 15 है संविदा कृषि से आप क्या समझते हैं? 16 है हरित क्रांति के दो प्रमुख सामाजिक परिणाम बताइए। 17वां नंबर है 17 मजदूर संघों के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। 18 है जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? वर्तमान समय में कौन सा साधन सबसे प्रभावी है? 19 है सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? 20वां है जाति से आप क्या समझते हैं? इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। 21 है व्यापार की सफलता में जाति और नातेदारी संपर्क कैसे योगदान कर सकते हैं? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 22। इसमें क्या है सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय समाज में स्तरीकरण के प्रमुख आधार क्या है? प्रश्न नंबर 23 देख रहे हैं बच्चों आप संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? इस अवधारणा की प्रमुख आलोचकों पर प्रकाश
डालिए। तो जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चंस को अगर आप अभी इग्नोर करते हैं तो बहुत पछताओगे जब आप एग्जाम में बैठोगे, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप सिर पर हाथ रख लेंगे। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर किसी का सोल्यूशन आपको नहीं आ रहा समझ में, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 24, 73वां संविधान संशोधन क्या है, इससे किस तरह सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, संक्षेप में समझाइए। प्रश्न नंबर 25 है, उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया। 26 है, भूमंडलीकरण ने जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधनों पर क्या प्रभाव डाला। 27 है, किसान आंदोलन से आप क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन किसानों की समस्याओं को सुलझाने में सफल रहे। तो अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे दिल्ली में भी काफी बड़ी मात्रा में हमारे देश के किसान आंदोलन कर रहे थे, तो उसी से आप पूरा इसका आंसर बना करके लिख सकते हैं। मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है, कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से आती है जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 29 देख रहे हैं बच्चों, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर पड़े उपनिवेशवाद के प्रभावों का विस्तार से समझाइए। लास्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, और मोस्ट 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 इंपोर्टेंट बच्चों आपके एग्जाम में इस बार रहने वाला है भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं ये क्वेश्चन, और लॉन्ग टाइप है तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। बाकी जितने क्वेश्चन है सारे इंपोर्टेंट है, कोई फालतू क्वेश्चन आपके अभी इस सैंपल पेपर में देखने को नहीं मिला है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रमुख प्रभावों का विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो ये इसी के साथ बच्चों आपका जो सैंपल पेपर है वो हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए, और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और बाकी बहुत जल्द आप लोगों को सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी दे दूंगा। और कहीं पे कोई भी किसी सब्जेक्ट में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है जो आपके जिसके एग्जाम होने वाले हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कोशिश करूंगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम होगी उसको जल्दी से जल्दी हम उसका सॉल्यूशन दे पाएं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।